नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y58 5G वर्सेस Xiaomi Redmi 13C का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y58 5G में 6.52 इंच जबकि Xiaomi Redmi 13C में 6.61 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Y58 5G में 2.99 इंच जबकि Xiaomi Redmi 13C में 3.07 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Y58 5G में 0.31 इंच जबकि Xiaomi Redmi 13C में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Y58 5G में 199 ग्राम जबकि Xiaomi Redmi 13C में 192 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Y58 5G में LCD जबकि Xiaomi Redmi 13C में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y58 5G में 6.72 इंचेस जबकि Xiaomi Redmi 13C में 6.74 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y58 5G में 1080x2408px FHD+ और Xiaomi Redmi 13C में 720x1600px HD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y58 5G में 86.58% जबकि Xiaomi Redmi 13C में 83.7% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y58 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Xiaomi Redmi 13C में 260 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y58 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Xiaomi Redmi 13C की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में ऑक्सिलरी लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Y58 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Xiaomi Redmi 13C की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y58 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Xiaomi Redmi 13C में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y58 5G में Adreno 613 जबकि Xiaomi Redmi 13C में Mali-G 57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y58 5G में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 और Xiaomi Redmi 13C में MediaTek Dimensity 6100 प्लस मिलता है। बात करें रैम की तो Y58 5G में 8GB की रैम मिलती है जबकि Xiaomi Redmi 13C में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Y58 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Xiaomi Redmi 13C में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Y58 5G में Android V14 जबकि Xiaomi Redmi 13C में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी Y58 5G में 6000mAh जबकि Xiaomi Redmi 13C में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो Y58 5G में दो कलर्स, जबकि Xiaomi Redmi 13C में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y58 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Xiaomi Redmi 13C की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,299 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 15,976 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Y58 5G आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Y58 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 5G है, दूसरा Oppo A3 Pro 5G है, तीसरा OnePlus Nord CE 4 Lite 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G85 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।